ये जो आर्टिकल है ये द हिंदू से लिया गया है। इसमें राइटर ये बोलते हैं कि कुछ लाइफ, कुछ तो नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि ह्यूमन लाइफ बहुत प्रीसियस है। हर बंदे की ह्यूमन लाइफ जो है, हर बंदे की जिंदगी बहुत प्रीसियस है, बहुत कीमती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी ह्यूमन लाइफ है जो लेस प्रीसियस है। कहने का मतलब कि कुछ ह्यूमन लाइफ ऐसी हैं जो कम बहुमूल्य हैं, या उसकी इंपॉर्टेंस कम है, या उसकी वैल्यू कम है, ऐसा कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उन्होंने इस बात का इशारा उनकी तरफ किया है जो सीवेज क्लीनिंग में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। यदि राइटर की बात करें तो डेटा तो एक लास्ट में उन्होंने दिया है, लेकिन एवरेज आप कहेंगे तो हर साल सीवेज क्लीनिंग में 100 लोगों की डेथ होती है इंडिया में। और यदि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा कि जैसे ही सीवेज की क्लीनिंग करने वो नीचे जाते हैं तो वहां पे मीथेन गैस होता है, और मीथेन गैस आप जब इनहेल करते हो तो अनकंसियस हो जाते हैं, अनकंसियस स्टेट में आप आ जाते हैं, और तभी आपकी धीरे धीरे डेथ भी हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल नहीं होती। उन्होंने ये बोला कि जो हमारा ये जो सीवेज क्लीनिंग है ये किसी भी हालत में बंद होना चाहिए, मैनुअल सीवेज क्लीनिंग नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है हमारी कंट्री में कि इतने सारे इक्विपमेंट हो गए हैं, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, इसके बाद आज भी आप मैनुअल स्कैवेंजिंग या ह्यूमन एक्सक्रेटर के साथ काम करते हैं, मतलब उसको मैनुअली काम किया जाता है। इस पे सरकार ने बहुत सारे रूल्स भी, सरकार नहीं मतलब पार्लियामेंट ने बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे एक्ट भी बनाया है, लेकिन अभी तक रूल्स एक तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ही बनाया है। एक्ट और रूल्स में अंतर क्या है ये मैं बताते चलूं। एक्ट पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है ना, पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बना दिया, अब उस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाती, तो यही एक्ट और रूल्स में अंतर होता है। अभी तमिलनाडु सरकार ने एक रूल्स बनाया है, रूल्स ए बनाया है कि ये जो रूल्स का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। इसमें इन्होंने कंप्लीटली मना किया है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को हम सिरे से खारिज करते हैं और उसको हम नहीं मानेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग किसी भी हालत में प्रमोट नहीं किया जाएगा, वैसी जगह पे प्रमोट किया जाएगा जहां पे सच में मशीन्स इक्विपमेंट को डिप्लॉय नहीं किया जा सकता है, वहीं पे मैनुअल स्कैवेंजिंग कराई जा सकती है, और उसमें भी प्रॉपर परमिशन लेना पड़ेगा कंसर्न अथॉरिटी के साथ, और उनको प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ भेजना पड़ेगा, चाहे वो ऑक्सीजन मास्क हो, चाहे वो सेफ्टी मास्क हो, चाहे वो एयर प्यूरिफायर हो, चाहे ये एयरलाइंस प्रेसिपिटेटर्स, बहुत सारे इनके टेक्निकल इक्विपमेंट्स भी होते हैं, उसकी बात की जा रही कि उसके प्रॉपर और इसका मेंटेनेंस भी रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि इन सारे इक्विपमेंट का रेगुलर मेंटेनेंस होना भी बहुत जरूरी है, और सीरियस कंसर्न इसलिए है कि एक आंकड़ा है वो ये कहता है कि 1993 से लेकर 2022 तक सीवेज क्लीनिंग में 971 लोगों की 971 लोगों की डेथ हो चुकी है, जो अपने आप में बड़ी कहानी कहता है। तो अब इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि जो भी रूल्स बनाया गया है ना उस एक्ट पे, उसका प्रॉपर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। दूसरा, उसकी एडेक्वेट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तीसरा, इन्होंने ये बोला है कि ये जो डेथ हो जाती है ना किसी की, उसको प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए। मान लीजिए कि कोई सीवेज क्लीनिंग में किसी की डेथ हो रही है तो उसको प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए, ऐसे ही छोड़ देते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसा करना ही क्यों? वो जो बेचारे सीवेज क्लीनिंग में इन्वॉल्व है उनके लिए गवर्नमेंट क्यों नहीं कोई ऑल्टरनेटिव की व्यवस्था करती है, क्यों नहीं किसी दूसरे जॉब की व्यवस्था करती है, दूसरे जॉब को अरेंज करने की कोशिश करती है ताकि उसमें वो इन्वॉल्वमेंट उनका रहे ही नहीं। आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।